दोस्तों वन प्लस 12R मोबाइल में हमें एक फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले मिल रहा है, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा मिल रहा है इस फोन में, मोबाइल का लुक्स भी जबरदस्त किया गया है और इस मोबाइल में हमें परफॉर्मेंस भी जबरदस्त मिलेगा, मतलब फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा इस फोन में। फीचर स्पेसिफिकेशन भर भर के मिल रहा है हमें इस मोबाइल में। तो इस फोन में हमें क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, मोबाइल का प्राइस क्या है, मोबाइल कैसा होगा आपके लिए, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हो आनंद टेक वर्ल्ड। अभी तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक। मुझे पता है आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट कर दोगे, तो जल्दी से जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो। तो चलते हैं सीधा इस मोबाइल के डिस्प्ले की तरफ, जान लेते हैं इस फोन में हमें डिस्प्ले कैसा मिल रहा है। तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है 6.78 इंच फुल HD प्लस कार्ब एमोलेड पंच होल डिस्प्ले। मोबाइल में हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट हमें मिलेगा 120Hz और इसमें हमें 240Hz टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। और इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस हमें मिलेगा 4500 nits और इस डिस्प्ले के ऊपर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और इस डिस्प्ले में हमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों इस मोबाइल का डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो इसमें हमें फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले मिल रहा है, बहुत ही बिग साइज का डिस्प्ले है। डिस्प्ले का साइज तो बिग है, उसके साथ क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा मिलेगा, मतलब वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा इस मोबाइल के साथ। मोबाइल का डिस्प्ले क्योंकि कार्व है, इसके वजह से मोबाइल का लुक्स को भी थोड़ा ज़्यादा एनहांस कर देता है ये कार्व डिस्प्ले। और स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120Hz है, मतलब बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल रहा है। इसके वजह से इस मोबाइल को जब आप यूज़ करोगे स्क्रीन बहुत ही स्मूथ काम करेगा, इसके वजह से आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। टच रिस्पॉन्स भी हमें ठीक ठाक ही मिल रहा है और ब्राइटनेस तो ज़बरदस्त मिल रहा है, मतलब विजिबिलिटी का बात करें तो इंडोर में तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आउटडोर में हेवी सनलाइट में भी डिस्प्ले का विजिबिलिटी बढ़िया रहेगा। चलते हैं अभी इस मोबाइल का लुक्स के तरफ। लुक्स वाइज ये फ़ोन देखने में प्रीमियम मोबाइल लग रहा है और ये सच में एक प्रीमियम मोबाइल ही है। तो दोस्तों आपको ये मोबाइल देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। इस मोबाइल में हमें IP64 स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन मिल रहा है, मतलब बारिश के टाइम मोबाइल लेके निकलने के बाद उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल बारिश में उतना ख़राब होने का चांस नहीं है। चलते हैं इस मोबाइल का वज़न की तरफ। इस मोबाइल का वज़न है 207 ग्राम और इसका थिकनेस है 8.8 मिलीमीटर। दोस्तों इस मोबाइल में हमें एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 14 मिल रहा है ऑक्सीजन OS 14 यूजर इंटरफेस के साथ। अभी चलते हैं दोस्तों इस मोबाइल का बैटरी की तरफ, जान लेते हैं इस फोन में हमें बैटरी क्या मिल रहा है। तो दोस्तों इस मोबाइल में हमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक बैटरी मिल रहा है, मतलब इस फोन में हमें मिल रहा है 5500 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। मोबाइल में हमें जो चार्जिंग कनेक्टर मिल रहा है वो है USB टाइप सी और इस फोन में हमें कोई 3.5mm हेडफोन पोर्ट नहीं मिलेगा, इसमें हमें टाइप सी हेडफोन पोर्ट ही मिलेगा। और इस मोबाइल का बॉक्स के साथ भी हमें 100W चार्जर फ्री मिलेगा, मतलब दोस्तों इस मोबाइल को आप बहुत ही फास्ट चार्ज कर पाओगे, बहुत ही कम टाइम में आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा और इसका बैटरी बैकअप भी आपको बढ़िया मिलेगा, बिग साइज का एक बैटरी मिल रहा है। और इस फोन का साउंड क्वालिटी का बात करें तो साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छा मिल रहा है इस मोबाइल में, मतलब इस मोबाइल में आपको मिल रहा है डुअल स्पीकर डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के साथ। अभी चलते हैं इस मोबाइल का सिक्योरिटी की तरफ देखा जाए तो इस फोन में हमें मिल रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फैसिलिटी। ये मोबाइल अभी मार्केट में 2 कलर वेरियंट के साथ लॉन्च हुआ है, आयरन ग्रे और कूल ब्लू। कौन सा कलर वेरियंट आपको सबसे ज्यादा पसंद में आ रहा है जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अभी चलते हैं इस मोबाइल के कैमरा की तरफ, जान लेते हैं इस फोन में हमें कैमरा क्या मिल रहा है। तो इस मोबाइल का रियर साइड में हमें मिल रहा है 50MP का ट्रिपल कैमरा, प्राइमरी जो लेंस है वो है 50MP का जिसका अपर्चर है f1.8 और इसमें हमें सोनी IMX890 सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये एक फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है, मतलब इस मोबाइल के साथ आप कोई फोटो उठाओगे कोई वीडियो उठाओगे तो बहुत ही हाई क्वालिटी का फोटो वीडियो का आउटपुट मिलेगा आपको इस मोबाइल में। और इस लेंस में हमें OIS का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिल रहा है, इसके वजह से आप फोटो वीडियो उठाने के टाइम अगर मोबाइल थोड़ा शेक भी हो जाता है तो वीडियो शेक नहीं होगा, मतलब आप बहुत ही स्टेबिलाइज फुटेज उठा पाओगे इस मोबाइल के साथ। और इसके बाद हमें मिल रहा है एक 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जिसमें हमें सोनी IMX355 सेंसर देखने को मिलेगा और इसका मैक्सिमम व्यूइंग एंगल है 112 डिग्री। और ये भी दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सेंसर है, इसके वजह से आप बहुत ही अच्छा अल्ट्रा वाइड एंगल
फोटो भी उठा पाओगे इस मोबाइल के साथ। और इसके बाद हमें मिल जाएगा एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, और इस मोबाइल का फ्रंट में हमें मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिसका एपर्चर है f2.4। दोस्तों सेल्फी कैमरा भी हमें अच्छा ही मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता था ये मोबाइल, लेकिन ठीक ठाक है, काम चलाओ है। रियर कैमरा बहुत ही बढ़िया मिल रहा है हमें, यही बोल सकते हैं। इस मोबाइल का रियर कैमरा से आप 4K में वीडियो शूट कर पाओगे 30 फ्रेम पर सेकेंड में, और इसका फ्रंट कैमरा से आप फुल HD में वीडियो शूट कर पाओगे 30 फ्रेम पर सेकेंड में। अभी चलते हैं इस मोबाइल का कनेक्टिविटी की तरफ। कनेक्टिविटी की तरफ देखा जाए तो इस फोन में हमें मिल रहा है 5G Wi-Fi 7 डुअल बैंड, ब्लूटूथ 5.3, डुअल 4G वोल्टी और NFC का सपोर्ट भी मिल जाएगा हमें इस फोन में। मतलब कनेक्टिविटी का लगभग हर एक फीचर स्पेसिफिकेशन ही हमें मिल रहा है इस फोन में। चलते हैं अभी सीधा इस मोबाइल का परफॉर्मेंस की तरफ, जान लेते हैं इस फोन में हमें प्रोसेसर क्या देखने को मिल रहा है। तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, एक 4nm ऑक्टोकोर प्रोसेसर है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 3.2 GHz, और इसमें हमें एड्रिनो 740 GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस मोबाइल का परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो आप कोई भी गेम आराम से खेल पाओगे इस मोबाइल के साथ, मल्टीटास्किंग भी आराम से कर पाओगे, मतलब एकदम लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलेगा आपको इस मोबाइल में। जबरदस्त परफॉर्मेंस होने की वजह से मोबाइल को जब आप यूज करोगे आपका यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा होगा, और ज्यादा देर गेम खेलने के बाद या मोबाइल को ज्यादा यूज करने के बाद आपका मोबाइल अगर ज्यादा हीट हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए इस मोबाइल में हमें नेक्स्ट जेन डुअल वेपर कूलिंग चेंबर मिल जाएगा। इसके वजह से आपका मोबाइल का टेम्परेचर भी बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। ये मोबाइल अभी मार्केट में 3 स्टोरेज और रैम वेरियंट के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें हमें मिल रहा है 8GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज और 16GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इस मोबाइल में जो रैम का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है वो है LPDDR5X, और इसमें हमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। मतलब रैम और स्टोरेज टाइप दोनों ही हमें बहुत ही फास्ट मिल रहा है, और इसका जो हायर वेरियंट है उसमें हमें फिजिकली 16GB RAM मिल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा रैम है। मोबाइल को यूज आप जब करोगे ना हायर वेरिएंट को, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही स्मूथ काम करेगा ये मोबाइल। और दोस्तों इस मोबाइल में हमें खाली सिम कार्ड का सपोर्ट मिलेगा, कोई मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी चलते हैं इस मोबाइल का प्राइस की तरफ, जान लेते हैं इस फोन का प्राइस क्या है। तो इस मोबाइल का 8GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट का इंडिया में ऑफिशियली प्राइस है 39,999 रुपीज। इस मोबाइल का 8GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट का प्राइस है 42,999 रुपीज, और इस मोबाइल का 16GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 45,999 रुपीज। तो ये मोबाइल आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा। बाय।